एशिया कप में हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और भारतीय गेंदबाजों के सामने सिर्फ 87 रनों पर घुटने टेक दिए। बांग्लादेश के मीरपुर में शेर बांग्ला स्टेडियम में चल रहे मैच में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। आशीष नेहरा और पांड्या की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिससे वो आखिर तक उबर नहीं पाए। बाद में ही सही कसर आर अश्विन और जडेजा और युवराज की फिरकी ने पूरा कर दिया। दो बल्लेबाज रन आउट। एएनयू देशद्रोह मामले के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में बड़े बदलाव की वकालत की है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के लागू होने के 155 साल पूरे होने का था। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अब इसमें बदलाव की जरूरत नजर आने लगी है। राष्ट्रपति को लगता है कि पिछले 155 साल में आईपीसी में काफी कम बदलाव हुआ है, ऐसे में मौजूदा 21वीं सदी की जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव की जरूरत है। राष्ट्रपति के मुताबिक आईपीसी में ऐसे अपराध शामिल है जिन्हें ब्रिटिश शासन ने अपनी औपनिवेशिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू किया था। इसके अलावा कई ऐसे अपराध हैं जिसकी सही तरीके से व्याख्या किए जाने और इसमें जोड़े जाने की जरूरत है। पूर्व न्यायाधीश भी राष्ट्रपति की बात से सहमत नजर आते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस की छवि उसकी कार्रवाई पर निर्भर करती है, ऐसे में पुलिस को कानून लागू करने वाली इकाई की भूमिका से आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वाले छात्रों में से एक आशुतोष ने सरेंडर कर दिया है। आशुतोष जेएनयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है। 9 फरवरी की रात को देश विरोधी नारा लगाने के आरोप में जिन छात्रों पर केस दर्ज हुआ था, उनमें से कन्हैया कुमार, खालिद और अनिर्बन पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि आशुतोष, अनंत और रामानागा पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पुलिस के मुताबिक कल रात आशुतोष ने पुलिस का सम्मन प्राप्त किया था, जिसके बाद उसने आज सुबह आर के पुरम थाने में सरेंडर कर दिया, जहां उससे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि मामले में पहले से गिरफ्तार 3 आरोपियों कन्हैया कुमार, खालिद और अनिर्बन से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों ने अलग अलग बयान दिए। देशद्रोही मामले में दो अन्य आरोपी रामानागा और अनंत कुमार को अभी तक समन प्राप्त नहीं हुआ है। जेएनयू में देश विरोध के समर्थन वाले विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। नए पोस्टर्स में 9 फरवरी को अफजल गुरु पर हुए कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। इसके अलावा अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या करार दिया गया है। पोस्टर में दावा किया गया है कि जेएनयू कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी ने नहीं लगाया। जेएनयू के नए पोस्टर के मुताबिक भारत कश्मीर, तमिल, नागा और असम के लोगों की जेल है। नए पोस्टर में कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय का समर्थन किया गया है। भारत विरोधी नारे लगने से अफजल की न्यायिक हत्या पर बहस भटकी है। साथ ही 12 मार्च तक इस पोस्टर को नहीं हटाने की अपील की गई है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल सका है कि ये नए पोस्टर्स किसकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन इन नए पोस्टर्स में भी अफजल गुरु पर हुए कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने अब मांग की है कि कन्हैया कुमार के केस को गैर बीजेपी शासित राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। जेएनयू में देशद्रोही प्रदर्शन का आरोपी कन्हैया को लेकर कांग्रेस ने नया सियासी दाव खेला है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांग की है कि कन्हैया का केस गैर बीजेपी शासित राज्य बिहार या यूपी में ट्रांसफर किया जाए। उनका मानना है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। मेरी राय तो ये है कि कन्हैया को इंसाफ तभी मिलेगा जब उस मुकदमे को ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश या बिहार ऐसी जगह ट्रांसफर किया जाए जहां भाजपा शासित राज्य न हो। हालांकि कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने उस पर निशाना साधा है। क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसी डिमांड कर रही है कि कन्हैया का ट्रायल दिल्ली के बाहर हो? क्या ये एक प्रकार से जो इशरत जहां के पूरे केस में हुआ था या गुजरात से संबंधित जितने केस हुए, उसका एक और नजरिया उसका लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी राजनीतिक लड़ाइयों को कोर्ट के माध्यम से उस प्रोसेस का दुरुपयोग करके करना चाहती है क्या?
जेएनयू विवाद अब सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। ऐसे में अब इस मामले को भुनाकर हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जेएनयू मामले में कांग्रेस हेडक्वार्टर तक मार्च किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी हेडक्वार्टर से ये मार्च शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया कि राहुल अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद 13 फरवरी को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू गए थे। राहुल गांधी ने जेएनयू में कहा था कि छात्रों की आवाज दबाने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी के जेएनयू दौरे के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी उन पर निशाना साधा था। आतंकवाद का समर्थन करने वाले और देश के टुकड़े करने करने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल के जेएनयू दौरे का मुद्दा उठाया था। जम्मू के रिफ्यूजी कैंपों में पिछले कई साल से रहने को मजबूर कश्मीर के विस्थापित पंडितों ने सुविधाएं न मिलने पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में अपने घरों से बेघर होने के बाद अपना वजूद तलाश रहे कश्मीरी पंडित आज जम्मू की सड़कों पर उतर आए। रिफ्यूजी कैंपों में मिल रही सुविधाओं को लेकर इनकी नाराजगी साफ नजर आई। इन कश्मीरी पंडितों ने घर वापसी के लिए कश्मीर में अलग होमलैंड बनाने की मांग की। साथ ही इन्होंने विस्थापितों के बच्चों को राज्य पुलिस में नौकरियां देने की मांग भी रखी। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने पीछे टाइम बॉन्ड रखा है कि पीएम पैकेज के लिए उन्होंने टाइम बॉन्ड रखा है, वैसे हम कहते हैं गवर्नर साहब हमारे बारे में भी जो ओवरचूज हुए हैं उनके लिए भी एक टाइम बॉन्ड रखें जिससे हमारे मसले कोई हल हो जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडित करीब 26 साल से विस्थापितों की तरह जीने को मजबूर हैं। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वामी की कार पर अंडे और टमाटर फेंके और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। एक सेमिनार में हिस्सा लेने कानपुर पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का कुछ इस तरह शिकार होना पड़ा। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ स्वामी की बयानबाजी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर अंडे, टमाटरों और पत्थरों से हमला कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी लहराए। हमला होता देख बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन्हें खदेड़ते दिखे। पुलिस भी वहां पहुंची और उसने भी हमलावरों को पीट कर भगाने की कोशिश की। इस घटना को लेकर शहर के बीजेपी नेताओं में काफी नाराजगी है और इसे उन्होंने पुलिस की लापरवाही बताया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस कह रही है कि वो रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैजाबाद के गुमनामी बाबा के सामानों की लिस्टिंग की जा रही है। फैजाबाद जिला प्रशासन की मौजूदगी में यह काम हो रहा है। इन सामानों को बाद में रामकथा संग्रहालय भेजा जाएगा ताकि लोग इसे देख सकें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा का सामान फैजाबाद ट्रेजरी से अयोध्या के रामकथा म्यूजियम में शिफ्ट किया जा रहा है। फैजाबाद ट्रेजरी में 24 बक्सों में गुमनामी बाबा का सामान रखा हुआ है। कल सभी सामानों की लिस्टिंग की गई। अब शिफ्टिंग का पूरा काम प्रशासनिक टीम की निगरानी में हो रहा है। इस मौके पर लखनऊ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम भी फैजाबाद पहुंची है। ये टीम प्रशासनिक समिति को अपनी इन्वेंटरी रिपोर्ट देगी। पूरे रिपोर्ट के बाद टेक्निकल समिति ये व्यवस्था करेगी कि गुमनामी बाबा के सामान को किस तरह म्यूजियम में रखा जाए और प्रदर्शित किया जाए। शिफ्टिंग की प्रक्रिया में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने के दावे काफी पहले से किए जा रहे हैं। पूछ रहे हैं अभी कहाँ पे हैं? हिमालय में, ज्ञानगंज, प्रोवाइडेड पीपल ट्राई टू फाइंड आउट ज्ञानगंज। बहुत से लोगों का ये दावा है कि फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब तक जो भी सामान मिले हैं उनसे उनके नेताजी होने की तरफ इशारा होता है। राजधानी दिल्ली में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हाई प्रोफाइल ये चोरी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 24 फरवरी को दिल्ली के एक बड़े शोरूम में एक लड़की सामान लेने के लिए अंदर घुसती है।
लेकिन उसके हाथ में दूसरी दुकान का सामान होने के चलते गार्ड उसका सामान बाहर ही रख लेता है और उसे टोकन देता है। लड़की दुकान के सामने ही खरीदारी कर रही होती है, तभी उसका टोकन पास में बैठा एक दंपति चुरा लेता है और थोड़ी देर के बाद वो अपना सामान की पेमेंट करने के बाद दुकान के बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो वापस दुकान में घुसता है और टोकन गार्ड को देकर हजारों का सामान लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि इस हाई प्रोफाइल दंपति के पास सिर्फ एक बैग ही था और बाद में वो कई बैग लेकर दुकान से गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में गार्ड से भी पूछताछ जारी है। दिल्ली में दो वाटर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन दोनों वाटर प्लांटों को बंद किया गया है। अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने से वजीराबाद और चंद्रावल वाटर प्लांट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने दोनों प्लांट का दौरा किया और जल संकट की बातों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पानी के इंतजाम कर दिए गए हैं, जिसे लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती भी है तो लोग पास के जल बोर्ड में संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले जाट आंदोलन के दौरान भी दिल्ली वासियों को जल संकट से जूझना पड़ा था। यूपी के लखनऊ में एचओडी से परेशान इंजीनियरिंग के छात्र के सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुस्साए परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अगर वो दलित होते तो सब दौड़े चले आते। लखनऊ के मडियावा इलाके में मौजूद बीएनसीटी कॉलेज में एचओडी दीपक असरानी पर खुदकुशी करने वाले बीटेक स्टूडेंट लवलेश को परेशान करने का आरोप है। लवलेश का शव गुरुवार को उसके किराए के कमरे में लटका मिला था और शव के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि दीपक असरानी फीस के लिए परेशान करते थे, क्लास नहीं अटेंड करने दे रहे थे और एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं दे रहे थे। पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया है। चार पेज के सुसाइड नोट और परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी एचओडी को जेल भेजने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में घरेलू कलह ने एक मां को कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। वारदात आगरा के सिकंदरा इलाके की है। रात में पति के साथ हुए विवाद के बाद आरोप है कि श्रुति नाम की महिला ने 2.5 साल के बेटे और 1.5 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद जहर पीकर जान देने की कोशिश में छत से छलांग लगा ली। जो हमें सूचना मिली, सूचना के आधार पर, और खुद फिनाइल पिया है। अभी घटना की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने श्रुति के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। यूपी के आगरा में एक वीएचपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आगरा में एक वीएचपी नेता की हत्या के मामले में दो फरार आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि दलित वीएचपी नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बीते 3 दिन से इलाके में जबरदस्त टेंशन है। आगरा में वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। उचित मुआवजा नहीं मिलने पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड पर सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका, साथ ही अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की। अगर आप चार्जिंग के वक्त भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मोबाइल ने एक छात्र की जान ले ली। घटना गाजियाबाद के मुरादनगर की है। यहाँ 11वीं में पढ़ने वाला ये युवक चार्जिंग के वक्त फोन पर गाने सुन रहा था कि अचानक फोन फट गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से युवक के परिवार वाले सदमे में हैं। लिहाजा जानकारों का सुझाव है कि स्मार्टफोन को ओवरचार्ज न करें, साथ ही इसे रात भर के लिए चार्जिंग के लिए बिल्कुल न लगाएं। इसके साथ ही चार्जिंग के वक्त बहुत जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल का इस्तेमाल करें। मुरादाबाद में रेलवे की डर्टी पिक्चर सामने आई है। यहाँ ट्रेन के टॉयलेट से सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। असल में पुलिस को शिकायत मिली थी कि ट्रेन का इस्तेमाल शराब तस्कर कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर छापा मारा गया और जनरल बोगी के एक टॉयलेट से शराब की महक आई।
दरवाजा खोला तो पुलिस वाले चौंक गए। चेन में शराब की तस्करी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब ट्रेन के अंदर कैसे चढ़ाई गई? जीआरपी और रेल के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की नजर क्यों इस शराब पर नहीं गई? क्या ट्रेन की चलने से पहले चेकिंग नहीं की जाती है या रेलवे से जुड़े कुछ कर्मचारियों की इसमें मिलीभगत है? मध्य प्रदेश के सीधी में एक महिला के गर्भ से एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है जिसका दिल बाहर है। मामला सीधी के निगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है। फिलहाल नवजात को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक्टोपिया कॉर्डिया नाम की बीमारी है जो लाखों में किसी एक में पाई जाती है। यह अपने आप में गंभीर मामला है और इसका इलाज काफी महंगा और रेयर है। डॉक्टरों ने नवजात की हालत को देखते हुए फिलहाल उसे रीवा रेफर कर दिया, लेकिन परिवार वाले उसे वहां ले जाने को तैयार नहीं है। बच्ची के माता पिता गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्ची का इलाज बाहर ले जाकर करा सकें, इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले दो महीने में कुपोषण से पीड़ित 11 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा 16 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ खास बात यह है कि सभी बच्चे सरकार के CMAM कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। इस कार्यक्रम के तहत कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का समय पर उपचार किया जाता है। उधर जिला प्रशासन प्रारंभिक स्तर पर इन मौतों का कारण कुपोषण मान रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। जिम्मेदार चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी सच छिपाने में जुटे हैं और बच्चों की मौत को लेकर अलग अलग बीमारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिले के 3 ब्लॉक के 158 गांवों के 38,588 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें 1,344 बच्चों में कुपोषित होने की पुष्टि हुई थी। प्रशासन की दलील है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खदान में हुए ब्लास्ट को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच अब एसडीएम सदर करेंगे। ओबरा इलाके के बिल्ली मारकुंडी में अवैध खनन में ब्लास्ट से हुई 3 मजदूरों की मौत के मामले में छानबीन जारी है। इस हादसे में घायल हुए 11 मजदूरों में से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। इन 5 मजदूरों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। अवैध खदान मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वारदात के 18 घंटे बाद भी अवैध खदान का मालिक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये पहली बार नहीं है कि जब सोनभद्र में अवैध खदान में हादसा हुआ है। 15 अक्टूबर 2015 को भी इस अवैध खदान में ब्लास्ट होने से 5 मजदूरों की जान गई थी। 27 फरवरी 2012 को बिल्ली मारकुंडी इलाके में खदान धंसने से 11 मजदूरों की जान गई थी। सवाल ये है कि आखिर यहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? सवाल ये भी है कि आखिर कब तक भ्रष्ट अधिकारियों की सरपरस्ती में चल रहा अवैध खनन का कारोबार मजदूरों की जान लेता रहेगा? रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने एक हफ्ते में दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अमेरिका के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रॉबर्ट वॉक ने ये तक कह दिया है कि हमने ये टेस्ट इसलिए किया है कि ताकि तीनों देशों को हमारी ताकत के बारे में साफ मैसेज पहुंचाया जा सके। अमेरिका ने मिडमैन 3 मिसाइल का शुक्रवार रात कैलिफोर्निया में टेस्ट किया। इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है, यानी रूस, चीन, कोरिया तीनों देश इसकी जद में हैं। अमेरिका के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अमेरिका इस जनवरी 2011 के बाद से अब तक 15 टेस्ट कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये इस बात का सिग्नल है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को भी तैयार है।